अच्छा हो तो हेलिकल बेवल की डिग्री बॉडी 32-35 से शुरू होती है। आप ये देख रहे हैं, हमने ये काटे हैं, ये हमने काटे हैं इसकी डिग्री। व्यूअर्स वेलकम टू माय डिजिटल चैनल राशल मैकेनिकल। सॉरी फॉर द लेट, हम तीसरी दफ़ा कर रहे हैं क्योंकि हम 3 महीने बाद आपसे जुदा हुए हैं। नई जगह पर हमारी वर्कशॉप शिफ्ट हुई है इसलिए। और पहले हमारे भाई हैं, वो पूछ रहे थे मशीन मरम्मत कराना। भैया हम सज्जे में हैं, ओके शारजा में। अगर आपने करवाना तो फिर आपको अलग नंबर देंगे हम, इंशाल्लाह एक नंबर देंगे। वो हमारे मैकेनिकल डिपार्टमेंट का है, वो आपकी मशीन मरम्मत कर देगा, मुश्किल कोई नहीं है। ये मैं कह रहा हूँ यूज़र MP2 को, जो USA है। हाँ, आपने कुछ जवाब मांगे हमसे, ठीक है। ओपन जो आई वाले हैं कि आपकी वर्कशॉप कहाँ है, ये यूज़र MP2 वाले पूछ रहे हैं। जो आप शारजा, ये देखिए मैंने लिख के रखा हुआ है सबका .user MP2, ठीक है भैया। तो हमारी वर्कशॉप इसमें है शारजा में। आप अपना नंबर भेजो, मैं आपसे बात करूंगा, ठीक है इंशाल्लाह। लेकिन व्हाट्सएप नंबर पॉसिबल नहीं है। दूसरा भाई ने जो हेलिकल बेवल गियर की डिग्री के बारे में पूछा है, हाओ तो हेलिकल बेवल की डिग्री बॉडी 32-35 से शुरू होती है। आप ये देख रहे हैं, हमने ये काटे हैं, ये हमने काटे हैं। इसकी डिग्री का प्रॉपर फार्मूला कोई भी नहीं है, कोई भी डिग्री आ सकती है। लेकिन मेंशन यही करना है आपको कि ये आपका हेलिकल बेवल गियर है, ठीक है, जो आप देख रहे हैं ये हम ही ने काटा है, ओके। इसको 32-40 से शुरू करना आपने। मैं फॉर ड्राइंग में आपको समझाता हूँ। सबसे पहले आपने इसकी डिग्री आपने 30 से शुरू करना है, 30 डिग्री से शुरू करना है। और 35 से आपकी वो जो लीड निकली शुरू हो जाएगी। जैसे हम इधर भी पिछली वीडियो में बताया, 4 गियर निकले हैं आपको। आपने इसकी मिलिंग पर तार बांध के ना, तो इसका जो दांता है ना ये वाला, इसका रेडियस चेक करना है आप। ये वाला रेडियस देख रहे हैं, जिसको मार्क कर रहा हूँ, पॉइंट कर रहा हूँ मैं, ये आपका 0 होना चाहिए। जब किसी भी 4 गलियाँ लगने के बाद आपका ये रेडियस बनेगा तो फिर पॉसिबल होगा आपका ये गियर सही बनेगा। ये बड़ा सैंपल है बड़े के हिसाब से, छोटा सैंपल है तो उसके हिसाब से। नेवर मस्ट के आपको कहें कि इसके साथ भी यही लगेगा, नहीं, इसके गियर नज़र निकलेंगे 30-35 से शुरू होगा, ठीक है, गियर कोई भी निकल सकता है। और दूसरा एक भाई ने पूछा है, इसमें और उसमें फ़र्क क्या होता है, और हेलिकल बेवल में और स्पर बेवल में फ़र्क होता है। इसकी आप देख सकते हैं जी, आप ये देखें ये कितने दांते लगे हुए हैं, ये देख वीडियो में देख रहे हैं आप, ये 3 दांते टच हैं, ठीक है, चौथा सर्कल कर रहा है इसको। जब चलता है पूरी ताकत के साथ चलता है ये, इसकी रेवोल्यूशन देखें, ट्रांसमिशन देखें, ये अपनी ताकत के साथ चलता है। अगर 2 दांते होंगे तो कैसे मिलेंगे, ये देखें, सीधे होंगे तो ये होगा, ठीक है, अगर टेढ़े होंगे तो ये होगा। 3 दांते मिले होंगे, वहाँ 1 मिलेगा, उसकी क्या पावर होगी। उसकी पावर की स्ट्रेंथ के लिए इसको हेलिकल बेवल स्पाइरल का नाम दिया गया है। इसमें ताकत ज़्यादा होती है, आपने गाड़ियों में देखा होगा स्पाइरल बेवल लगा हुआ, ट्रैक्टर में देखा होगा ये लगा होता है, बड़ा कड़ा पिन जिसको कहते हैं, हाँ बुश कड़ा गाड़ी कहते हैं। ये बड़ी गाड़ी होती है इस साइज़ की, तकरीबन उसका 350 टाया होता है। ये छोटी होती है, इसका 150 टाया होता है, 125 सॉरी। तो वो ट्रैक्टर में भी यही चलती है, सो आप देखें इसमें पावर ज़्यादा होती है। और दूसरा भाइयों ने पूछा, इसका साइज कैसे निकालना है, सेम साइज निकालना है। हेलिकल निकालने के लिए तो आपके पास सैंपल होगा ही, आपने स्पर बेवल गियर डालना है तो मॉड्यूल +2। अब आप मेरी ड्राइंग की तरफ आएँ, हेलिकल बेवल के लिए टीथ +2, सेम वही कुलिया है, दांते 15 जमा 2। हाँ सॉरी फॉर द टाइमिंग ख़त्म हो गई थी। बेवल गियर बनाने के लिए, स्पर गियर बनाने के लिए आपने 42.30 डिग्री लगानी है एक गियर को, दांते कोई भी हो, ठीक है, दूसरे को भी इतनी लगानी है। 5 डिग्री आपने अपने माइनस करनी है डिवाइडिंग कट से, ठीक है, माइनस करें या प्लस करें या आपको समझ आएगी। जब गाड़ी काटेंगे एक जैसी लाइन हो जाएगी ना वहाँ पे, तो वो आपको पास अलग कितने भी आएगी। जैसे अभी आपने 42.5 पे की है, मे भी आपका डिवाइडर 45 पे आ जाए, ओके, तो ये 90 डिग्री पॉसिबल हो जाएगी। हाँ दांता देखना आपने आगे से पीछे, उसकी एक लाइन जो है दांता डाल रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से शुरू करना है, ये आपकी दांते की लाइन है ये वाली, यहाँ से शुरू करना है, यहाँ तक आपकी लाइन सीधी हो, ओके।
तो वो डिग्री आपकी सेट हो जाएगी, बनानी आपने 42.5 है। ओके, सलाम अलैकुम।